हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएजेड प्लस, इंडिया नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंजीनियर्स। और आप देख रहे हैं हीट ट्रांसफर का लेक्चर, जिसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहे हैं। हमारी ये सीरीज चल रही है, आपको पता ही है। आज का जो टॉपिक है वो है हीट एक्सचेंजर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट एग्जाम। हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत आसान है। आज आपको और भी आसान लगेगा। मैं आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में कुछ हीट एक्सचेंजर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के जरिए सारे कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज कर दूंगा। ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी रिकॉल्ड, क्लियर है ना? ठीक है, तो आज हम करने वाले गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट को हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं आता, तो वो वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर जाके, www.cizplus.com वेबसाइट का नाम है, उस पर जाके आप पूरा कोर्स इनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। www.cizplus.com, इस पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा हीट ट्रांसफर का, मैंने खुद डिजाइन किया है, और ईच एंड एवरी टॉपिक हैज बीन कवर्ड ऑन द लेटेस्ट बेसिस ऑफ, ऑन द सिलेबस ऑफ लेटेस्ट गेट एंड ईएससी सिलेबस 2021। ठीक है, बिल्कुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज को प्रूव किया है, हर एक चीज को प्रैक्टिकली लिंक करके पढ़ाया गया है। आप एक बार जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा कोर्स वहां पर आपको इसी तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है लेक्चर देखने में वेबसाइट पर या फिर कहीं और, तो आप स्मूथ वॉचिंग ऑफ लेक्चर के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है CIZ Plus, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप है तो प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, आप सर्च करो CIZ Plus। और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एग्जाम, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें स्मूथली समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हमारा वही तरीका है, वही रवैया है क्वेश्चन सॉल्व करने का। रवैया क्या है कि सर पहले हम करेंगे बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया, ठीक है, उसके बाद सर आपका सॉल्यूशन देखेंगे, यही तो हम चाहते थे। अब तो आदत हो गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आंसर बताओ कमेंट करके, हमसे पहले आंसर बताना है। हो गया ट्राई, देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं। वाटर, बात कर रहा है वाटर, सीपी, सीपी क्या है सब जानते हैं, स्पेसिफिक हीट। एट 80 डिग्री सेल्सियस एंटर्स अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर विद अ मास फ्लो रेट ऑफ इतने 0.5 kg/s। तो सबसे पहले जब भी काउंटर फ्लो की बात आती है, डायग्राम बना लो काउंटर फ्लो का, टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होती है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की, मैं आपको बता दे रहा हूँ काउंटर फ्लो की। काउंटर फ्लो क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कि जिसमें दोनों फ्लूड, एक फ्लूड अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा फ्लूड अपोजिट एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, मींस बोथ द फ्लूड्स आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैंने बोला हॉट फ्लूड यहां से एंटर किया, हॉट फ्लूड, और इसका टेम्परेचर देखो, हॉट फ्लूड का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, ये सबको पता होगा, सबको पता होंगे टेम्परेचर प्रोफाइल। जिसको नहीं पता इसका मतलब उसने हीट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसे जरूरत है कोर्स पढ़ने की। ठीक है, यहां पर हॉट फ्लूड है तो इसका कुछ एग्जिट टेम्परेचर होगा, हॉट फ्लूड का वो दे नहीं रखा THE, इसका मास फ्लो रेट दे रखा है m.h, अगर मैं बात करता हूं m.h दे रखा है 0.5 kg/s। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक हीट भी दे रखा है हॉट फ्लूड का, CPH जिसे बोलेंगे हम, वो दे रखा है 4.18 × 10⁻³ J/kg। ठीक है, उसके बाद कोल्ड फ्लूड एंटर किया, मैं दूसरे मार्कर से ले रहा हूं, इसलिए कोल्ड फ्लूड अपोजिट डायरेक्शन से एंटर करेगा, इस डायरेक्शन से कोल्ड फ्लूड एंटर किया और एग्जिट किया, यहां पर एंटर कर रहा है, देखो एयर, एयर कोल्ड फ्लूड है, एंटर 30 डिग्री। कैसे पता चला कोल्ड है, क्योंकि कम टेम्परेचर से एंटर कर रही है, पानी ज्यादा टेम्परेचर से एंटर कर रहा था गर्म होगा, और यहां पर मास ऑफ एयर दे रखा, मतलब कोल्ड फ्लूड का मास फ्लो रेट दे रखा है 2.09 kg/s, kg/s, और सीपी दे रखा है, सीपी ऑफ कोल्ड फ्लूड 1 kJ, तो 1000 दे रखा है, 1000 J/kg। और यहां पर टेम्परेचर होगा TCE, ये भी दिया नहीं है। उसने बोला है इफ द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज 0.8, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर 0.8 दे रखी है, तो LMTD बताओ, LMTD होता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या होगा वो बताएंगे, डेल्टा टी आई ये इनलेट पर टेम्परेचर डिफरेंस है और ये एग्जिट पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है डेल्टा TE, मतलब बिटवीन द बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूड इनलेट पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, एग्जिट पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ये पता करो।
लेकिन सर इनलेट हमने इसको क्यों माना, हमेशा हम जो डायरेक्शन एज्यूम करते हैं हॉट फ्लूड की डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, तो जो ये डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, जो हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल पता करते हैं वो हम हॉट फ्लूड की ट्रेवल, हॉट फ्लूड जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उस डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टेम्परेचर डिफरेंस इनलेट पर पता चल जाए, टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिट पर पता चल जाए, हम एल एम टी डी निकाल देंगे, वो क्या होगा, डेल्टा टी आई माइनस के डेल्टा टी ई डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ डेल्टा टी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी ई। ये होता है जनरल फॉर्मूला फॉर बोथ द हीट एक्सचेंजर, चाहे वो पैरल हो चाहे काउंटर हो। लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये है, स्पेशल केस है यहाँ पर। आपको कैसे पता चला स्पेशल केस है? सर हमने पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ लोगे, आपको भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि स्पेशल क्या है। एक स्पेशल केस होता है, इधर देखना, स्पेशल केस, केस अगर इफ इफ एम डॉट एच सी पी एच इक्वल टू एम डॉट सी सी पी सी के बराबर हो, इफ एम डॉट एच सी पी एच एम डॉट सी सी पी सी के बराबर हो, देख लेते हैं, 0.5 इंटू सी पी एच 4180 है, बिल्कुल ठीक है सर, 4180 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, इक्वल टू एम डॉट सी 2.09 इंटू 1000, बहुत अच्छे। जब देखा तो ये भी कितना आ गया, 2090 आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 2090। एक चीज हमको क्लियर हो गई कि दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम है, स्पेसिफिक हीट इंटू मास फ्लो रेट का प्रोडक्ट सेम है, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेट। ये जो टर्म कहलाता है हीट कैपेसिटी रेट, यहीं पर हम रिलेट करते रहे कंसेप्ट को, ये कहलाता है हीट कैपेसिटी रेट। और ये दोनों का जब सेम हो तब जो हीट एलएमटीडी की वैल्यू, एलएमटीडी की वैल्यू काउंटर फ्लो में, काउंटर फ्लो में, इन काउंटर फ्लो देखते रहना, इन काउंटर फ्लो, इन काउंटर फ्लो अगर ये केस सेम है तो काउंटर फ्लो में जो एलएमटीडी होगा लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इनलेट के बराबर होगा डिफरेंस के, या फिर एग्जिट के बराबर ही होगा। कि हमको इनमें से कोई सा भी पता चल जाए यही होगा, ये फॉर्मूले में लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो तब पता चलेगा जब टी एच ई की वैल्यू पता हो या टी सी ई की वैल्यू पता हो, इसीलिए तो उसने इफेक्टिवनेस दे रखी है। अब देखो इफेक्टिवनेस भी समझेंगे यहाँ से क्या होती है, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या होती है समझना, ये होती है टी एच आई माइनस के टी एच ई डिवाइडेड बाई टी एच आई माइनस टी सी ई। कब? इफ 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 एम डॉट एच, इधर देखते रहना, इफ हीट कैपेसिटी रेट रेशियो, हीट कैपेसिटी रेट, हीट कैपेसिटी रेट फॉर हॉट फ्लूड इज लेस देन हीट कैपेसिटी रेट फॉर कोल्ड फ्लूड, तब होती है ये एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी ऑफ हीट एक्सचेंजर टी सी ई माइनस के टी सी आई डिवाइडेड बाई टी एच आई माइनस के टी सी आई, यहाँ टी सी आई है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर टी सी आई है, इधर देखो यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है टी सी आई, ठीक है, ये नीचे वाला सेम रहता है ऊपर वाले चेंज हो जाते हैं। कि अगर हॉट फ्लूड का हीट कैपेसिटी रेट कम है तो ऊपर हॉट फ्लूड का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, कोल्ड फ्लूड का अगर कम है तो ऊपर कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, इस तरह याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है, इज लेस देन एम डॉट एच सी पी एच, ठीक है। यहां पर तो दोनों बराबर है, कोई सा एक फॉर्मूला लगाओ और उससे एक टेम्परेचर पता करो, कोई सा भी लगा लो, लो हमने यही लगा लिया। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर दे रखी है 0.8 दे रखी है ना क्वेश्चन में, 0.8, ठीक है। टी सी ई नहीं पता सर, टी सी ई नहीं पता, हम निकाल लेंगे, माइनस टी सी आई दे रखा था, टी सी आई दे रखा कितना 30 और टी एच आई दे रखा है 80, ठीक है, लो हम तुरंत बोल देंगे सर ये 30 और यहां पर 80 माइनस के 30, ठीक है, इतना क्लियर है। 80 में से 30 गए 50, 50 इंटू 0.8 40 आ जाएगा, और इसको इधर ले गए प्लस के 30 हो जाएगा, ये आ गया टेम्परेचर, ये आ गया टेम्परेचर कितना टी सी ई, टी सी ई। और मुझे पता है, मुझे पता है अगर एल एम टी डी निकालना है, एल एम टी डी तो हमें डेल्टा टी आई पता चल जाए बस। और डेल्टा टी आई की वैल्यू क्या, देखो डेल्टा टी आई इनलेट पर टेम्परेचर डिफरेंस यही है ना, डेल्टा टी आई 80 माइनस टी सी ई, लो तुरंत लिख देंगे 80 माइनस टी सी लिख दो, लो क्या लिख देंगे 80 माइनस के टी सी, इसको मिटा देते हैं, लो 80 माइनस के टी सी ई, और 80 माइनस टी सी कितना है 70, तो यहां से जो आ गया वो आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द करेक्ट आंसर, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। कितने लोगों क्लियर हुआ जल्दी बताओ,
कितने लोगों को क्लियर हुआ जल्दी बता दो, ये देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मतलब स्पेशल केस हमने देख लिया, स्पेशल केस क्या था कि सर अगर दोनों का हीट कैपेसिटी रेट बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूड हैव सेम हीट कैपेसिटी रेट देन लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, याद रखना है इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर या तो डेल्टा टी आई के बराबर होगा या फिर डेल्टा टी के बराबर होगा। और डेल्टा टी आई की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी आई की वैल्यू अगर पता करना चाहते हो काउंटर फ्लो में, ये तो हॉट फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर था टी एच आई माइनस ये कोल्ड फ्लूड का एग्जिट है टी सी ई। अगर मैं डेल्टा टी एग्जिट लिखना चाहता हूँ काउंटर फ्लो में तो देखो टी एच ई माइनस टी सी आई है, बिल्कुल ठीक टी एच ई माइनस टी सी आई, कितना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें से कोई सा भी निकाल लो 10 डिग्री आएगा, मीन्स सेम हीट सेम टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा होगा, चाहे इनलेट पे देख लो एग्जिट पे देख लो चाहे बीच में देख लो, क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हीट एक्सचेंजर का, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, फिर से एलएमटीडी पूछा है लेकिन कुछ ट्विस्ट होगा। देखो इन काउंटर फ्लो, फिर से काउंटर फ्लो की बात कर लिया, बहुत खूबसूरत, अब तो मैं आंख बंद करके काउंटर फ्लो का डायग्राम बना दूंगा। देखो ये होता है हॉट फ्लूड जा रहा होगा, इधर से कोल्ड फ्लूड जा रहा होगा, बहुत अच्छे ये डायग्राम बना दो आंख बंद करते ही, ठीक है। इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हॉट फ्लूड एंटर्स एट 60 डिग्री, हमने बोल दिया 60 डिग्री पर एंटर किया, एंड कोल्ड फ्लूड लीव्स एट 30 डिग्री। कोल्ड फ्लूड क्या है, कोल्ड फ्लूड यहां से एंटर कर रहा होगा तो लीव्स करेगा 30 डिग्री पर, यहां पर दे रखा है देखो, ठीक है। और यहां पर हॉट फ्लूड एग्जिट करेगा और यहां पर कोल्ड फ्लूड इनलेट करेगा टीसीआई, यहां पर कोल्ड फ्लूड इनलेट करेगा टीसीआई, क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताओ क्या इतना क्लियर है, वेरी गुड। इधर देखना कि मास फ्लो रेट ऑफ द हॉट फ्लूड दे रखा है 1 kg/s, यहां पर दे रखा है 1 kg/s हॉट फ्लूड का, ये हॉट फ्लूड जा रहा है, ठीक है। एंड दैट ऑफ कोल्ड फ्लूड 2 kg/s, कोल्ड फ्लूड का दे रखा है 2 kg/s, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूड, स्पेसिफिक हीट दे रखी CPH, ये दे रखी है 10,000, यूनिट नहीं लिख रहा है, जूल पर केजी केल्विन है। एंड कोल्ड फ्लूड की दे रखी है 5,000, CPCB दे रखा है 5,000, देखते रहना। बोलो सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन नहीं आ गया क्या, देखो बिल्कुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, रिपीट होते कॉन्सेप्ट, देखो लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस बता दो, सबसे पहले काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर दे रखा है तो पहले ये चेक कर लो क्या एम डॉट एच सी पी एच इक्वल टू एम डॉट सी सी पी सी के बराबर है क्या, अगर है तो हम डायरेक्टली डिफरेंस बता देंगे, वही होगा क्या लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इनलेट पे, इनलेट पे अगर मैं डेल्टा टी आई लिखना चाहता हूँ, देखो इनलेट का डेल्टा टी आई अंदा भी बता देगा 30 डिग्री है। एग्जिट का नहीं पता सर, एग्जिट का नहीं पता क्योंकि दोनों टेम्परेचर अननोन है, टी एच ई माइनस टी सी आई दोनों क्या है अननोन, ठीक है। पर पहले हम पता कर लेते हैं क्या इफ 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 m.h cph की वैल्यू, देखो m.h cph क्या है 10,000, बिल्कुल सही 10,000 आ गया। अगर मैं देखना चाहता हूँ m.c cpc भी देखना चाहते हैं 5 × 2, ये भी क्या है 10,000, बिल्कुल ठीक, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है इक्वल, बहुत अच्छे बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, दोनों क्या है इक्वल, इसका मतलब लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा, कुछ करना ही नहीं था, मैं तो आपको पूरा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आप चीज़ों को विजुलाइज करो, नहीं तो चुटकियों में कर देता, जिसको भी कॉन्सेप्ट आते थे विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होना था। हमने क्यों सॉल्व कराया, क्योंकि आप चीज़ों को सीखो, डायग्राम बनाना सीखो, कहाँ कहाँ कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है उनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमारा मेन पर्पज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखते हैं, ठीक है। इधर देखो LMTD तुरंत बता देंगे डेल्टा टी आई के बराबर है, और डेल्टा टी आई हमें पता है 30 डिग्री, और यही आंसर है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, कुछ करना ही नहीं है। देखो दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे थे, एक पूछा गया था 4 साल पहले, एक पूछा गया 4 साल बाद, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इधर देखना, और हीट एक्सचेंजर की बात किया है, डेल्टा टी मैक्स मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द टू फ्लूड्स, दोनों फ्लूड के बीच में टी मैक्सिमम और टी मिनिमम दे रखा है। LMTD इज लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। सी मिनिमम एंड सी मैक्सिमम आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम हीट कैपेसिटी रेट, मतलब सी मिनिमम दे रखा है, सी मिनिमम का मतलब एम डॉट इन टू सी मिनिमम है, सी मिनिमम का मतलब एक हीट कैपेसिटी रेट दिया है, और सी मैक्सिमम भी दिया है, मतलब एम डॉट सी की कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, देखते रहो। और ये दोनों क्या है, हीट कैपेसिटी रेट है, ठीक है,
हीट कैपेसिटी रेट। अभी मैं बताऊंगा हीट कैपेसिटी रेट का सिग्निफिकेंस, पहले इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना था इसीलिए नहीं बताया। इधर देखो, द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूड इज, उसने बोला है क्यू मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट बताओ पॉसिबल। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखते रहना कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर हीट ट्रांसफर रेट इन एनी हीट एक्सचेंजर हमें पता करना है, हीट ट्रांसफर रेट एनी हीट एक्सचेंजर पता करना है वो होता है रेट ऑफ एंथैल्पी डिक्रीज ऑफ द हॉट फ्लूइड इक्वल टू रेट ऑफ एंथैल्पी इंक्रीज ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। अगर मैं लिखना चाहता हूं ये होता है एम डॉट एच, देखो टी पी एच, इस इक्वेशन को याद कर लो, ये ब्यूटीफुल इक्वेशन है, टी एच आई माइनस टी एच ई, ये जो वैल्यू है ये है रेट ऑफ एंथैल्पी डिक्रीज ऑफ द हॉट फ्लूइड, ठीक है। यही बराबर होती है एम डॉट सी टी पी सी टी सी ई माइनस के टी सी आई के बराबर, देखते रहना। और ये भी क्या है रेट ऑफ एंथैल्पी डिक्रीज ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब हॉट फ्लूइड ने अपनी एनर्जी लूज की होगी, हीट लूज की होगी, तो वो कोल्ड फ्लूइड ने गेन कर ली, दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो गई हॉट और कोल्ड के बीच में। इसी डिवाइस को तो बोलते थे हीट एक्सचेंजर, कि हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस विच एक्सचेंज हीट बिटवीन द टू फ्लूइड्स, दोनों फ्लूइड्स के बीच में हो रही है, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, बट अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं उनके बीच में आपस में हीट एक्सचेंज हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल हो गई सर। और हम जो इक्वेशन निकालते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से निकालते हैं, थर्मोडायनामिक्स की आपने देखी होगी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से प्रूफ होता है, ये सारे प्रूफ करा रखे हैं। और अगर आप फील करना चाहते हो प्रूफ को, एक बार cizplus.com की वेबसाइट पर जाओ, www.cizplus.com, और वहां से फीलिंग लो, एक एक कंसेप्ट आपको इतना ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता पर्सनली हमसे बोलना, सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर बताना, ठीक है 100% आएगा। देखो इसका मतलब कि हमको चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, एक चीज तो क्लियर है। क्यू मैक्सिमम पता करने के लिए कि सर डेल्टा टी मैक्सिमम होना चाहिए, ये चीज तो क्लियर हो गई, क्योंकि जितना मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम होगा। लेकिन ये वैल्यू एम डॉट एच सी पी एच, यही तो हीट कैपेसिटी रेट है, ये क्या होना चाहिए? हीट कैपेसिटी रेट का मतलब होता है कि उसको हीट को फ्लूइड को हीट को स्टोर करने की क्षमता, अगर वो स्टोर कर लेगा तो ट्रांसफर कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कम से कम होनी चाहिए, अगर स्टोर करके रख ली हम तो रख के बैठ गए, हम दे पाएंगे क्या किसी को? नहीं दे पाएंगे। और यहाँ एक्सचेंज होनी चाहिए, एक्सचेंज होने के लिए हीट ट्रांसफर रेट कम होना चाहिए, और हीट ट्रांसफर रेट कम होने के लिए मैं तुरंत बोल दूंगा m.c का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, m.c का प्रोडक्ट मिनिमम होना चाहिए, और वो मिनिमम क्या दे रखा है? सी मिनिमम के बराबर दे रखा है, और ये होगा क्यू मैक्सिमम की वैल्यू। क्या यहाँ पर मैच कर रहा है? देखो सी मिनिमम यहाँ पर है, डेल्टा टी मैक्सिमम है, ऑप्शन बी करेक्ट। देखो सी मैक्सिमम गलत और सी मिनिमम के LMTD की तो बात ही नहीं हुई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था। मैं तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत था, जिसको कॉन्सेप्ट आते होंगे वही टिक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताओ क्या ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, और यहीं से निकल के आती है क्या कोई मुझे बता पाएगा? इफेक्टिवनेस, यहीं से तो निकल के आती है इफेक्टिवनेस। क्या होती है इफेक्टिवनेस? के क्यू एक्चुअल कितना है और क्यू मैक्सिमम पॉसिबल कितना है। अब कोई मुझे बताएगा डेल्टा टी मैक्स कितना हो सकता है? लो मैं रिलेट कर ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जल्दी देख लो जल्दी। कि मैंने बोला मैं काउंटर फ्लो ही ले ले रहा हूँ, लो काउंटर फ्लो ही लिया, यहाँ पर टी एच आई था, ये काउंटर फ्लो है तो इधर देखो, ये काउंटर फ्लो है तो फ्लो की डायरेक्शन इधर होगी ना, और ये टी एच ई था, देखते रहना, ये टी सी आई है और ये टी सी ई है। मुझे डेल्टा टी मैक्स चाहिए, क्या चाहिए? सर मुझे डेल्टा टी मैक्स चाहिए। डेल्टा टी मैक्स का मतलब हायर टेम्परेचर होना चाहिए और लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी तो टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच में डेल्टा टी मैक्स आएगा? क्योंकि सबसे हायर देखो ये दिखाई दे रहा है, सबसे लोअर ये, तुरंत बोल देंगे टी एच आई माइनस के टी सी आई हो गया। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, फील करना, ठीक है। मैं इफेक्टिवनेस निकलना चाहता हूँ तो क्यू एक्चुअल बता दो, क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू मैक्सिमम। अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे कहाँ से आए थे? क्यू एक्चुअल, अगर हीट कैपेसिटी रेट हॉट फ्लूइड का कम है, हीट कैपेसिटी रेट अगर हॉट फ्लूइड का कम है, मैंने बोला इफ एम डॉट एच सी पी एच इज लेस देन एम डॉट सी सी पी सी, फील करना। क्या मैं बोल सकता हूँ एक्चुअल के लिए अगर लिखना चाहता हूँ एम डॉट एच सी पी एच, रेट ऑफ एंथैल्पी डिक्रीज ऑफ हॉट फ्लूइड क्या थी? टी एच आई माइनस टी एच ई थी ना, कहाँ से आई? प्रीवियस स्लाइड से देखो,
ये है ना एम डॉट एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच ई, ठीक है। और अगर ये वैल्यू मिनिमम है दोनों फ्लूड में तो यही मिनिमम नीचे आ जाएगा, क्यू मैक्सिमम के लिए ये मिनिमम होना चाहिए एम डॉट एच सी पी एच मिनिमम, और टेम्परेचर मैक्सिमम टी एच आई माइनस के टी सी आई। देखो फील हो गया होगा आपको, इसको इससे चीर दिया, ये आया कि नहीं आ गया हीट इफेक्टिवनेस। और अगर मैं कोल्ड फ्लूड के लिए लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर टी सी ई माइनस के टी सी आई आ जाएगा, ये टर्म फिर कट जाएंगे, ये नीचे वाला सेम रहता है। हमने अभी देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में ये कंसेप्ट देखा था कि नहीं देखा था, देखो इसी तरह ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, देखो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इधर देखना। कंसीडर अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, अब बात कर रहा है पैरेलल, पैरेलल का टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होता है मैं तुरंत आपको बता के दिखा देता हूँ कि पैरेलल फ्लो वो होते हैं जिसमें दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हों। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर वो फ्लो हीट एक्सचेंजर है जिसमें दोनों फ्लूड हॉट फ्लूड भी और कोल्ड फ्लूड सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इसकी जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनती है वो इस तरह बनती है, देखते रहना, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड फ्लूड आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। हॉट फ्लूड अगर हमने बोला टी एच आई से एंटर कर रहा होगा, लो कंसिडर पैरेलल विद एरिया ए पी, पैरेलल का उसने बोला एरिया ए पी है, एरिया ए पी है, ठीक है। एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ओ माई गॉड, दोनों दे रखे लोग, काउंटर फ्लो तो हम जानते हैं अभी बना चुके हैं, ऐसा होता है। इसका एरिया दे रखा है ए सी, काउंटर फ्लो का एरिया दे रखा है ए सी। इन बोथ द हीट एक्सचेंजर द हॉट स्ट्रीम फ्लोइंग एट 1 kg/s, यहाँ पर भी 1 kg/s दे रखा है हॉट स्ट्रीम, यहाँ पर भी 1 kg/s दे रखा है हॉट स्ट्रीम, ये हॉट है, ये हॉट है, क्या है हॉट, ठीक है, इधर भी हॉट लिख लेना, ठीक है। फ्रॉम 80 degrees to 50 degrees, मतलब यहाँ से भी 80 degrees से एंटर किया था, दोनों में सेम दे रखा है, यहाँ पर भी 80 degrees से एंटर किया है, एग्जिट किया 50 पर, यहाँ पर भी 50 पर एग्जिट किया है, देखते रहना, ठीक है। फॉर द कोल्ड स्ट्रीम इन बोथ द हीट एक्सचेंजर द फ्लो रेट एंड द इनलेट टेम्परेचर आर 2 kg/s, इसका भी देखो 2 kg/s दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। एंड 10 degrees Celsius, क्या दे रखा है, फॉर द कोल्ड स्ट्रीम इन बोथ द हीट एक्सचेंजर द फ्लो रेट एंड द इनलेट टेम्परेचर दे रखा है, तो इनलेट टेम्परेचर यहाँ पे तो होगा अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो कर रहा होगा 10 degrees कोल्ड फ्लूड का, और यहाँ पर भी 10 degrees होगा, देखो क्योंकि यहाँ तो सेम डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और ये 2 kg है तो ये भी 2 kg/s, देखते रहना, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। द हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम इन बोथ हॉट एक्सचेंजर आर ऑफ द सेम फ्लूड है, बोथ द हीट एक्सचेंजर हैव द सेम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट भी सेम है। बोला है रेशियो ऑफ ए सी अपॉन ए पी क्या होगा, रेशियो ऑफ ए सी अपॉन ए पी पूछा है क्या होगा। देखो कैसे करना है क्वेश्चन, इधर देखना कि सबसे पहले उसने बोला है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर मैं लिखना चाहता हूँ यू ए डेल्टा टी एम होता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ओवरऑल हीट ट्रांसफर अगर हमें निकालना है क्यू इक्वल टू यू ए डेल्टा टी एम होता है। अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया इक्वल टू मैं तुरंत बोल दूँ क्यू अपॉन यू इंटू डेल्टा टी एम आएगा, बिल्कुल आएगा, एरिया इक्वल टू यू अपॉन डेल्टा टी एम आएगा। उसने बोला है कि बोथ द हीट एक्सचेंजर हैव द सेम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यू की वैल्यू दोनों में सेम है, मीन्स यू ऑफ पी इक्वल टू यू ऑफ काउंटर दे रखा है पैरेलल और काउंटर का, ठीक है। और उसने कुछ दिया है क्या, द हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम इन बोथ द हीट एक्सचेंजर आर ऑफ द सेम फ्लूड ऑल्सो, ठीक है, दोनों में सेम फ्लूड है, इसका मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी सेम हो रहा होगा, जब दोनों में सेम फ्लूड है, एंटर भी सेम टेम्परेचर से कर रहे हैं, एग्जिट भी सेम टेम्परेचर से कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, कंसीडर अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर विद एरिया ए पी एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर विद एरिया ए सी, इफ बोथ द हीट एक्सचेंजर द हॉट स्ट्रीम फ्लोइंग एट 1 kg/s कूल्स फ्रॉम 80 degrees to 50 degrees Celsius, ठीक है, और द कोल्ड स्ट्रीम इन बोथ द हीट एक्सचेंजर द फ्लो रेट एंड द इनलेट टेम्परेचर आर 2 kg/s, ठीक है। सबसे पहले हमको जरूरी है कि ये एग्जिट टेम्परेचर निकालना, हमको एग्जिट टेम्परेचर निकालना जरूरी है। उसने बोला है हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड सेम है, हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड सेम है, मीन्स सी पी एच एंड सी पी सी सेम है, सी पी एच एंड सी पी सी क्या है सेम है, इधर देखा सी पी एच एंड सी पी सी क्या दे रखा है सेम, क्योंकि दोनों फ्लूड सेम है, फ्लूड सेम है तो फ्लूड की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो यहाँ से हम टी एच ई निकाल, हम टी सी ई निकालेंगे पहले, वो कैसे निकलेगा, एम डॉट सी सी पी सी टी एच आई माइनस के टी एच ई इक्वल टू एम डॉट एच, ये एम डॉट एच है ना, यहाँ एम डॉट एच, यहाँ पर भी एम डॉट एच, ठीक है,
यहाँ पर एम डॉट सी, सी पी सी और टी सी ई माइनस के टी सी आई। पहले हम टी सी ई निकालेंगे। देखो सी पी एच से सी पी सी कैंसिल, एम डॉट एच दे रखा है 1, ठीक है, टी एच आई 80 माइनस के 50, 50 तक जा रहा है, इक्वल टू एम डॉट सी 2 दे रखा है, टी सी ई हमको निकालना है, टी सी ई हमको निकालना है माइनस टी सी आई दे रखा है 10। देखो 80 में से 50 गए 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, 15 और 10 यहाँ से टी सी ई की वैल्यू आ गई 25। और जैसे ये 25 डिग्री सेल्सियस आ गया, आप देखना यहाँ पर हमें पता चल गया, यहाँ टेम्परेचर जो आया ये हम निकाल चुके हैं ना, देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर आया ये आ गया 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी टेम्परेचर आ गया 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों का सेम आ रहा होगा क्योंकि हॉट एंड कोल्ड फ्लूड सेम लग रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड फ्लूड सेम है तो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब मैं इसका डेल्टा टी ई निकाल लूंगा, देखो इसका डेल्टा टी एग्जिट कितना आ रहा है 25, इसका डेल्टा टी आई निकाल लेंगे, डेल्टा टी आई पैरेलल का ये कितना आ रहा है 80 में से 10 गए 70, देखते रहना। यहां पर मैं निकाल लूंगा डेल्टा टी ई, इसका कितना आएगा 40 क्या डेल्टा टी ई, देखते रहो। और यहां पर डेल्टा टी आई भी निकाल लूंगा, डेल्टा टी आई ये कितना आ रहा है 80 में से 25 गए कितना बचा, 80 में से 25 10 में से 5, 7 में 2 गए 5, 55 डिग्री, ठीक है। अब हमको देखना है कि अगर ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, क्यों सेम है, यू सेम है, तो एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर है, ये LMTD के बराबर होता है रिजल्ट। डेल्टा टी एम क्या है, LMTD। अब इधर देखो, अब हम तुरंत बोल देंगे कि एरिया का जो रेशियो आ रहा है, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LMTD आ रहा है। और हमसे क्या पूछा, इधर देखना, हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ काउंटर और पैरल का बता दो, एरिया ऑफ काउंटर फ्लो एंड एरिया ऑफ पैरल बता दो, इक्वल टू क्या LMTD पैरल आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई LMTD काउंटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सबसे पहले LMTD पैरल और LMTD काउंटर निकालो, तो LMTD पैरल अगर हम निकालेंगे तो कहां से निकलेगा, इससे, ये पैरल है ना, ये पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, पैरल फ्लो, ये क्या है काउंटर फ्लो, क्लियर है, ठीक है। तो इससे निकालेंगे तो इसका डेल्टा टी आई डेल्टा टी ई अलग है, इसका डेल्टा टी आई डेल्टा टी ई अलग है, तो हम निकालेंगे तो फॉर्मूला हम जानते हैं LMTD का, LMTD का ये फॉर्मूला है, डेल्टा टी आई इनलेट पे बता दो, एग्जिट पे बता दो, डिवाइड बाई लॉग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इनलेट पर डिवाइड बाई डेल्टा टी एग्जिट पर, ये दोनों के लिए अलग अलग होती है वैल्यू, रिजल्ट अलग अलग आएंगे। तो यहां से सॉल्व करोगे तो LMTD, देखो सॉल्व कर लेना, ये कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना, पैरल का जो आ रहा होगा, पैरल का कोई मुझे बताए कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा 43.705, ये सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। LMTD अगर मैं काउंटर का निकालता हूँ, LMTD काउंटर का, तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा 47.103 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम निकालेंगे एरिया ऑफ AC अपॉन एरिया ऑफ पैरल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 43.705 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 47.103 डिग्री सेल्सियस। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, इसका जो रेशियो आ रहा होगा वो आ रहा होगा एक से कम आएगा, ऑलमोस्ट 0.927 समथिंग, दिस इज द आंसर। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, क्या ये चीज़ क्लियर हुई, तो आंसर जो हमारा आया वो आ गया 0.927 इज द आंसर, रेशियो ऑफ काउंटर फ्लो एंड पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर का ये आंसर आ गया। कितने लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई, देखो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट थे दोनों का, हमने डायग्राम बना के देख लिया, हमने क्या जरूरी था यहाँ पे निकालना टी एच ई जैसे ही आ गया, ये टी सी ई पता चल गया, दोनों का इनलेट और एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंस पता चल जाएगा, इनलेट एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंस पता चलते ही लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस पता चल जाएगा, सिंस क्यू वैल्यू और यू वैल्यू आर सेम तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एम है, और यहाँ से रेशियो भी आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बता दो मजा आ गया कि नहीं आ गया, और वाकई में अगर मजा आ गया है, मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आप नया जुड़े हो चैनल में तो वीडियो लेक्चर को लाइक शेयर तो करना ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन प्रेस जरूर करना है, नहीं तो आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं खूबसूरत कंसेप्ट के साथ, फिर से 5 क्वेश्चन से नए कंसेप्ट लर्न करेंगे। देखो हम यहाँ पर कंसेप्ट को लिंक कर देते हैं इसीलिए 5 क्वेश्चन कर पाते हैं, अदरवाइज मैं खाली क्वेश्चन कराऊँ, डायरेक्ट फॉर्मूला चिपकाऊँ तो तुरंत हम 6-7 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है, कम क्वेश्चन करो लेकिन क्वालिटी के साथ करो, क्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड, क्लियर है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।